नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको जीवन की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर आपको कोई भी नहीं बताता है। और यदि यह गलतियां आप भी कर रहे हो तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वह सात चीजें हैं जिन्हें रास्ते पर दिख जाने पर तुरंत रास्ता बदल लेना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति इन सात चीजों को लांघ जाता है अर्थात इसके ऊपर से गुजर जाता है तो दोस्तों वह व्यक्ति मृत्यु से हाथ धो सकता है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इन सात चीजों में से कोई भी चीज रास्ते में मिल जाए तो अपना रास्ता बदल लेना, वरना आपकी मौत निश्चित है। यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे यहाँ पर, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यह सात चीज जो आपको बताई जा रही है इन्हें लांघना नहीं है। अगर दोस्तों आप भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा रखते हो और भगवान को सच्चे दिल से पूजते हो तो इस वीडियो से जुड़ जाना, आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और आज नहीं तो कल या फिर और कभी कभी ना कभी तो यह बात आप लोगों को जानना ही पड़ेगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यही सच्चाई है और इसके आगे कुछ नहीं है, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। दोस्तों कई बार रास्ते में हमें कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में हमें लांघना नहीं चाहिए, किंतु फिर भी जाने अनजाने में हमसे ऐसी भूल हो जाएं तो ये वस्तुएं हमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार से परेशानियों में डाल देती हैं। और तो और कई बार यह हमारी मृत्यु का कारण भी बनती हैं, तो एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वे सात प्रकार की नकारात्मक वस्तुएं कौन कौन सी हैं जो यदि आपको रास्ते में दिख जाएं तो आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। दोस्तों कभी कभी हमें रास्ते में किसी के स्नान करने के बाद फैला हुआ पानी दिखाई देता है। वैसे कहने को तो सिर्फ गंदा पानी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप चाहे तो इसे लांघ कर भी जा सकते हैं, लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार यह मात्र गंदा पानी नहीं अपितु इससे भी कहीं अधिक बढ़कर है। दरअसल हिंदू पुराणों में स्नान के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है कि किसी भी मनुष्य के द्वारा चार प्रकार के स्नान किए जाते हैं, मुनि स्नान, मानव स्नान, देव स्नान और राक्षसी। दोस्तों इसमें से राक्षसी स्नान सबसे निम्न कोटि का स्नान है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि स्नान से ना सिर्फ आपके दिखाई देने वाले इस भौतिक शरीर की बल्कि इससे आपके सूक्ष्म शरीर अर्थात ऊर्जा से बने ऐसे शरीर जो अस्तित्व में तो हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, उनकी भी अशुद्धियां धुलकर इस जल में मिल जाती है। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति इस जल को लांघता है तो दरिद्रता उसके सर पर चढ़ जाती है, फलस्वरूप वह व्यक्ति कष्ट पाने लगता है। इसलिए दोस्तों भलाई इसी में है कि यदि कहीं आपको ऐसा पानी दिखे तो आप इसे लांघने से बचना चाहिए। दोस्तों आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए, ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी प्रकार की अशुद्धि की। दोस्तों कई बार रोड पर हमें मृत प्राणियों की अस्थियां दिखाई पड़ती हैं। आमतौर पर ये अस्थियां उन दुर्भाग्यशाली जानवरों की होती हैं जो सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। इन शवों के संदर्भ में विष्णु पुराण कहता है कि किसी भी मनुष्य को कभी भूलकर भी उन अस्थियों को न तो लांघना चाहिए और न ही कभी बहुत इनके करीब से गुजरना चाहिए, और यदि ऐसी भूल हो जाए तो तुरंत ही स्नान कर लेना चाहिए। और इसका कारण आपको पता ही है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि शव अथवा शव के अवशेष जैसे अस्थियां इत्यादि के आसपास नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, फिर चाहे वह शव किसी जानवर का ही क्यों ना हो। अतः ऐसे में यदि कोई मनुष्य इनके संपर्क में आता है तो इससे उसकी पवित्रता तो नष्ट हो ही जाती है, साथ ही उसे विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है।
तो मित्रों जितना हो सके आप इस सब झंझट से बचकर रहिएगा। अब बात करते हैं तीसरी अशुभ वस्तु की, जो कुछ और नहीं बल्कि बाल है। दोस्तों कहने को तो बाल बड़ी साधारण सी चीज है, लेकिन हिंदू धर्म में बालों को बड़ा ही अशुभ माना जाता है। बालों के संदर्भ में एक बार महाज्ञानी भीष्म ने अर्जुन से कहा था, यदि कभी भोजन में बाल आ जाएं तो भूलकर भी उस भोजन को ग्रहण न करना, क्योंकि फिर उस भोजन पर पिशाचों का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार से बालों के संदर्भ में यह माना जाता है कि यह किसी भी मनुष्य के सिर पर भार के समान है। अतः जब कोई व्यक्ति अपने बालों का त्याग करता है तो न केवल अपने बालों को उतारता है, बल्कि बालों के साथ साथ वह अपने उन नकारात्मक विचारों का भी त्याग कर देता है जो कहीं न कहीं उसके कष्टदायक जीवन का कारण बनते थे, और इसी वजह से मौत, मयत अथवा जीवन की नई शुरुआत जैसे शुभ अशुभ अवसरों पर मुंडन करवाया जाता है। अतः दोस्तों किसी भी व्यक्ति को किसी भी अन्य के कटे हुए बालों को लांघना नहीं चाहिए, अन्यथा बालों का त्याग करने वाले का भार उसे लांघने वालों के सर चढ़ जाएगा। अब बात करते हैं चौथी वस्तु की, और वह वस्तु है भस्म अर्थात राख। दोस्तों ऐसे में होता यूं है कि जब कभी धार्मिक अनुष्ठान हेतु यज्ञ हवन किए जाते हैं तो भूलवश यज्ञ की राख रास्ते में फैल जाती है। अब चूंकि यह भस्म धार्मिक अनुष्ठान अथवा अग्नि देव की कृपा से उपजी है, अतः यह अत्यंत ही पवित्र होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में इसे लांघता है अथवा इस पर पैर रख देता है तो वह पाप का भागी हो जाता है और फिर वह अपने जीवन में कष्ट पाता है। हालांकि यह बात सिर्फ हवन की राख पर नहीं अपितु हर सजीव व निर्जीव वस्तु जैसे भोजन, पानी अथवा पूजा पाठ में प्रयुक्त किए जाने वाली तमाम वस्तुओं पर लागू होती है। अतः आप ऐसी गलती करने से बचें। इसी प्रकार से मित्रों यदि हम पांचवी वस्तु की बात करें तो इसमें हमें कभी उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए जिस रास्ते पर कांटे हों। दरअसल मार्गों में कांटे आना या कांटों से भरे मार्ग पर चलना दुर्भाग्य का प्रतीक है। विश्वास किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे चोट लगने का खतरा तो रहता ही है, साथ ही साथ यह कांटे उसके दुर्भाग्य में भी बढ़ोतरी कर देते हैं और उस व्यक्ति को अपने जीवन में नित नए संघर्षों से जूझना पड़ता है। अब बात करते हैं छठी वस्तु की। दरअसल इसके अंतर्गत हमें भूल कर भी उन वस्तुओं को नहीं लांघना चाहिए जिनका प्रयोग तंत्र क्रिया में किया गया हो। इसमें होता यूं है दोस्तों कि कई बार तांत्रिक जन किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को संतुष्ट करने हेतु सुनसान स्थान, सड़क अथवा चौराहों पर उसी भूत प्रेत के द्वारा बताई गई वस्तु जैसे मिठाई, मांस, अंडे, पान का बीड़ा, लौंग, पूरा कपड़ा, नींबू या कोई और नई नवेली वस्तु रख देते हैं ताकि वह नकारात्मक शक्ति आकर उन वस्तु को ग्रहण कर सके। किंतु ऐसे में यदि भूलवश आप उस वस्तु को उसके आने से पहले ही लांघ देते हैं, इससे वह नकारात्मक शक्ति रुष्ट हो जाती है और फिर वह आपका हित करने के लिए आपके पीछे लग जाती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे प्रेत बाधा कहते हैं। अतः दोस्तों यदि आपको रास्ते में कोई ऐसी वस्तु दिखाई पड़े तो बेहतर होगा कि आप इसे लांघने के बजाय इससे बचकर निकलेगा। यदि संभव हो तो आप अपना रास्ता ही बदल लीजिएगा। अब बात करते हैं अंतिम और सातवीं वस्तु की। असल में मित्रों यह वस्तुएं नहीं अपितु वह गंदगी है जिन्हें हम में से ही कुछ मूर्ख लोग करते हैं, जैसे मल मूत्र, थूक, मेले कुचैले कपड़े, टूटे हुए बालों के गुच्छे इत्यादि तमाम ऐसी प्रकार की गंदगी हैं जिन्हें कुछ लोग बिना सोचे विचारे यहाँ वहाँ फैला देते हैं। ऐसे में दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ इस प्रकार की गंदगी की ओर आकर्षित होती हैं, और जो व्यक्ति अपने पैरों से इन्हें लांघ देता है या कुचल देता है, परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति पेट अथवा सिर के दर्द से पीड़ित हो जाता है।
तो मित्रों, यह थी ऐसे सात प्रकार की वस्तुएं जिन्हें आपको किसी भी दशा में लांघना नहीं चाहिए, अन्यथा यह चीजें आपकी पवित्रता और शांति को नष्ट करेंगी ही करेंगी, बल्कि कभी कभी यह आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है।